नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस और मैं हूं रेहान। बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। कल ही से नारायण राणे को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत गर्म है, वो गर्मा गर्मी आज भी देखने को मिली। एक तरफ जहां नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना और उनके नेताओं पर कई बड़े आरोप लगाए, वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने भी जवाबी हमला नारायण राणे पर किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित टिप्पणी मामले में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अब जमानत मिल चुकी है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर नारायण राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। उधर नारायण राणे की ओर से भी बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका कर ये मांग की गई कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए। दिन भर चली राजनीतिक उठापटक के बीच नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने उद्धव सरकार पर जोरदार हमला बोला। नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें जमानत मिली। इससे यह सिद्ध होता है कि देश कानून से चलता है। राणे ने यह भी कहा कि मैं शिवसेना से नहीं डरता, ये सरकार बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। नारायण राणे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी दी कि जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मामला अदालत में है। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि जनता के बीच जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जाए, और इसीलिए उन्होंने ये यात्रा निकाली और 27 अगस्त दोबारा से जन आशीर्वाद यात्रा पर वो निकलेंगे। लेकिन 17 सितंबर तक जब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद ही इस मामले पर वो खुलकर बोलेंगे और शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जवाब देंगे। नारायण राणे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना सांसद संजय राउत और वरिष्ठ नेता अनिल परब पर भी जोरदार हमला किया। अनिल परब के खिलाफ केस दर्ज करवाने की बात कही तो उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत संपादक बनने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए लिखते हैं। इन सभी का जवाब वो 17 सितंबर के बाद देंगे। नारायण राणे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जब उद्धव ठाकरे ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की थी, तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? क्या शरद पवार साहब को तब कुछ गलत नहीं लगा था? नारायण राणे की उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भाजपा नेताओं ने उनका समर्थन तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने BJP के दफ्तरों में तोड़फोड़ की, उसे लेकर BJP आग बबूला है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में ये बदले की राजनीति कब तक चलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।